Hello students, welcome to our channel Study Bird. Today we will continue chapter number 10, Safety and First Aid Part 2. Water safety. You can avoid water related accident by following few simple guidelines. हम water related accident से बच सकते हैं अगर हम कुछ simple guidelines follow करें. First, never enter a water body alone. हमें कभी भी किसी भी water body में अकेले enter नहीं करना चाहिए. Never go for swimming if there is no adult around. हमें कभी भी swimming के लिए नहीं जाना चाहिए अगर हमारे आसपास कोई भी adult ना हो. Second, never swim in deep water. हमें कभी भी deep water में swimming नहीं करनी चाहिए. Third, go for boating only where it is allowed. हमें boating वही करनी चाहिए जहाँ पर boating allow हो. Keep your hands and feet inside the boat all time. हमें हमेशा हमारे हैंड्स और फीट को बोट के अंदर ही रखना चाहिए. फिफ्थ, डू नॉट गो फॉर बोटिंग इन रेनी एंड स्टॉर्मी वेदर. हमें कभी भी बोटिंग करने के लिए रेनी और स्टॉर्मी वेदर में नहीं जाना चाहिए. फिफ्थ, डू नॉट गो फॉर बोटिंग विदाउट वेयरिंग अ वेल फिट लाइफ जैकेट इवन इफ़ यू आर गुड स्विमर. हमें कभी भी लाइफ जैकेट के बिना बोटिंग नहीं करना चाहिए अगर हम अच्छे स्विमर हो तभी भी. The life jacket will prevent you from drowning in case the boat turns over accidentally. Life jacket हमें डूबने से बचाती है अगर गलती से भी accidentally भी हमारी boat turn हो. Water rescue. If someone is drowning, do not enter the water yourself to rescue. Rescue का मतलब save someone from danger. अगर कोई डूब रहा है फिर भी हमें अपने आप से वाटर के अंदर नहीं जाना चाहिए उसे बचाने. सेकेंड, शाउट लाउडली फॉर हेल्प और इन्फॉर्म एन एडल्ट इमीडिएटली. हमें ज़ोर से आवाज़ देनी चाहिए और हमारे एडल्ट को मदद के लिए बुलाना चाहिए. थर्ड, थ्रो समथिंग लॉन्ग सच एज रोप टूवर्ड्स दी विक्टिम एंड ट्राई टू पुल हर और हिम आउट. हमें कुछ लंबी सी चीज़ें जैसे रोप रस्सी को उस विक्टिम के पास भेज देना चाहिए ताकि वो उसे पकड़कर बाहर आने की कोशिश कर सके. फर्स्ट एड. द बेस्ट वे टू अवॉइड ऑल एक्सीडेंट्स इज टू बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. सबसे बेस्ट तरीका हमें इन एक्सीडेंट्स से बचने का वो है हमें केयरफुल होना चाहिए और कुछ सेफ्टी रूल्स अप्लाई करने चाहिए, फॉलो करने चाहिए. हाउएवर व्हेन एन एक्सीडेंट टेक प्लेस द इंजर्ड पर्सन नीड हेल्प. लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उस इंजर्ड पर्सन को हमें हेल्प करनी चाहिए, उसे हेल्प की ज़रूरत होती है. द हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर कैन सी हर और हिम इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जो हेल्प हम उस इंजर्ड पर्सन को डॉक्टर के आने से पहले देते हैं जो उसे चाहिए उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं. लेट अस लर्न सम वेज ऑफ डीलिंग विद माइनर इंजरीज एंड प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द इंजर्ड. कुछ तरीके हैं जिससे हम माइनर इंजरी से बच सकते हैं, उसे कम कर सकते हैं फर्स्ट एड प्रोवाइड करके. फर्स्ट, माइनर वाउंड्स. अ कट और स्क्रैच कैन रिजल्ट इन अ माइनर वाउंड. एक कट और स्क्रैच के कारण एक माइनर वाउंड हो सकता है. अ वाउंड इज एन ओपनिंग इन द स्किन थ्रू विच जर्म्स कैन ईजिली एंटर द बॉडी. वाउंड हमारे स्किन के ऊपर एक ओपनिंग की तरह हो जाता है जिसके कारण जर्म्स हमारे बॉडी में इजीली इसके थ्रू एंटर कर सकते हैं. माइनर वाउंड्स कैन बी ट्रीटेड एट द होम बाय फॉलोइंग दिस गाइडलाइन. माइनर वाउंड्स का हम ट्रीटमेंट अपने घर पे ही कुछ गाइडलाइंस फॉलो करके कर सकते हैं. फर्स्ट, वॉश द वाउंड थरोली विथ माइल्ड सोप एंड वाटर. हमें वाउंड को थरोली वाटर से और सोप माइंड सोप से वॉश कर लेना चाहिए और ड्राई इट यूजिंग कॉटन वूल और गेज और उसे कॉटन वूल या गेज की मदद से सुखा देना चाहिए. सेकेंड, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन. हमें एंटीसेप्टिक लोशन को लगाना चाहिए. पुट अ क्लीन बैंडेज सच दैट इट डज नॉट स्टिक टू वाउंड. और हमें एक क्लीन बैंडेज लगाना चाहिए जो हमारे वाउंड को चिपके ना. थर्ड, इफ़ द वाउंड इज ब्लीडिंग प्लेस अ गॉज पैड टाइटली ऑन इट टू स्टॉप द ब्लीडिंग. अगर वाउंड में ब्लीडिंग हो रही है यानी खून आ रहा है ब्लड निकल रहा है तो हमें एक गॉज पैड को टाइटली लगा देना चाहिए ताकि ब्लीडिंग रुक. अ ट्यूनिकेट कैन बी यूज इन केस ऑफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप. हम ट्यूनिकेट का यूज़ कर सकते हैं अगर ब्लीडिंग रुक नहीं रही है. ट्यूनिकेट इज अ पीस ऑफ क्लोथ दैट इज रैप टाइटली अराउंड द वाउंड एंड टाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड.
टूर्निकेट एक पीस ऑफ क्लोथ होता है जो हम उस वाउंड के आसपास टाइटली रैप कर लेते हैं, जिसके कारण ब्लड का फ्लो रुक जाता है। स्प्रेन्स, स्प्रेन्स अकर व्हेन वी इंजर द लिगामेंट्स एट द जॉइंट्स। स्प्रेन जब होता है जब हमारे जॉइंट्स के आसपास जो लिगामेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं। स्प्रेन इज यूजली वेरी पेनफुल एंड लीड टू स्वेलिंग। स्प्रेन बहुत ही पेनफुल होता है जिसके कारण स्वेलिंग हो जाती है। फर्स्ट, नेवर मसाज द स्प्रेन एरिया। हमें कभी भी स्प्रेन एरिया में मसाज नहीं करना चाहिए, इट मे लीड टू फ्रैक्चर, इसके कारण फ्रैक्चर हो सकता है। डू नॉट, सेकेंड, डू नॉट मूव दी अफेक्टेड पार्ट। हमें अफेक्टेड पार्ट यानी जहाँ पर चोट लगी उस पार्ट को मूव नहीं करना चाहिए, हिलाना नहीं चाहिए। पुट आइस पैक ऑन दी अफेक्टेड पार्ट टू ब्रिंग डाउन दी स्वेलिंग। उस पार्ट पे हमें आइस पैक लगाने चाहिए ताकि स्वेलिंग कम हो जाए। थर्ड, रैप अ क्रीप बैंडेज अराउंड दी जॉइंट। हमें क्रीप बैंडेज को जॉइंट के अराउंड रैप कर लेना चाहिए, लपेट लेना चाहिए। फ्रैक्चर्स, अ क्रैक और ब्रेक इन अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक क्रैक, बोन में एक क्रैक या बोन का टूटना, इसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फर्स्ट, मेक श्योर द अफेक्टेड लिम्ब इज इन द नेचुरल पोजिशन एंड इज केप्ट स्टिल। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो अफेक्टेड लिम्ब है यानी जिस लिम्ब में चोट लगी है वो अपने नेचुरल पोजिशन में है और एकदम स्टिल है, स्टेशनरी है। सेकेंड, यूज़ अ स्लिंग मेड ऑफ क्लोथ टू सपोर्ट द फ्रैक्चर लिम्ब। हमें स्लिंग का यूज़ करना चाहिए जो क्लोथ से मिलकर बना हुआ होता है ताकि हमारे फ्रैक्चर आर्म को एक सपोर्ट मिले। थर्ड, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ स्प्लिट टू कीप द अफेक्टेड लिम्ब स्टिल एंड स्ट्रेट। हम स्प्लिट का भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारी अफेक्टेड लिम्ब एक स्टिल रहे और स्ट्रेट रहे। You can make a split from anything firm such as rolled up newspaper, magazines or piece of cardboard. हम split किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, जैसे newspaper, magazine या cardboard के piece को roll up करके। The split must be extend above and beyond the broken bone. हमें split को और भी extend करके हमारे broken bone के आगे तक लेके जाना चाहिए, रखना चाहिए। Cushion the स्प्लिट विथ कॉटन वुल और अ सॉफ्ट पीस ऑफ क्लोथ। हमें स्प्लिट को एक कॉटन वुल या सॉफ्ट पीस ऑफ क्लोथ से कुशन करना चाहिए।